गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा पीछे के जो मैं पढ़ाई हूँ उसी को रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ाया था? सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्णमाला के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला में क्या क्या आया था? पहला आया था स्वर, क्या आया था? स्वर। और दूसरा आया था व्यंजन। स्वर में हमने जाना अ से लेकर अह तक के बीच जितने भी हमारे साउंड्स थे वो स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तब हमने व्यंजन के बारे में जाना। व्यंजन में हमने ये सीखा कि क से लेकर स्र तक के बीच जितने भी हमारे साउंड्स थे वो व्यंजन होते हैं। तो स्वर में कौन कौन से साउंड्स थे? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ए, ओ, ओ, अं, अ। और व्यंजन में कौन कौन से साउंड्स थे? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, एंड स्र। तो वर्णमाला तो हमने जान लिया। उसके बाद मैं आप लोगों को दो अक्षर के शब्दों के बारे में बताई थी। क्या बताई थी? दो अक्षर के शब्दों के बारे में। दो अक्षर के शब्दों में हमने जाना था ऐसा शब्द जो दो अक्षरों के मिलने से बने। कैसे? जैसे क, क्या? क और म। इसमें कितने अक्षर थे? तो इसमें दो अक्षर थे। कैसे? 1, 2। कितने? 1, 2। तो कितने अक्षर हुए? दो अक्षर हुए, ठीक है? जैसे मैं चल, चल, मत, मत, अब, सब, सब। ये सब क्या है? ये सब हमारे दो अक्षर के शब्द हैं, ठीक है? उसके बाद हमने जाना तीन अक्षर के शब्दों के बारे में। क्या जाना? तीन अक्षर के शब्दों के बारे में। वो कैसे होता है? तो तीन अक्षर के शब्द यानी जो तीन अक्षरों या वर्णों के मिलने से बने। कैसे? जैसे मैं लेती हूँ प, क्या लिखूंगी? प, फिर मैंने लिखा ह, फिर मैं लिखूंगी न, ठीक है? तो इसको काउंट करो कितना है। चलिए काउंट करते हैं। तो करिए मेरे साथ, 1, 2, 3। तो कितने अक्षर हैं? तो 3 अक्षर हैं। तो इसीलिए कितने अक्षर के शब्द हुए ये? तो ये हमारा 3 अक्षर के शब्द हैं, ठीक है? अब इसको पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने के लिए चलिए बोलिए, प, प, ह, न। तो क्या पढ़ेंगे? पहन। क्या पढ़ेंगे? पहन। अब 3 अक्षर वाले शब्दों में ले लीजिए, द, बोलिए द, ह, न, दहन, न, ग, र, नगर, ड, ग, र, नगर। ये सब क्या है? ये सब 3 अक्षर के शब्द हैं, ठीक है? तब हमने 4 अक्षर के शब्दों के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? कि ऐसा शब्द जो 4 अक्षरों या वर्णों के मिलने से बने। जैसे ब, बोलिए ब, र, त, न। तो कितने अक्षर हुए आप बताओ? इसको आप काउंट करो। अब मैं काउंट करती हूँ, 1, बोलो 1, 2,
थ्री एंड फोर, तो कितने अक्षर हुए? फोर अक्षर हुए, ठीक है। तो ये क्या था? चार अक्षर के शब्द था, ओके। अब पढ़ेंगे कैसे, ये देखो, बोलो ब ब र त न, तो क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे बर्तन, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, अब तो नहीं भूलोगे। अगर मैं आपसे पूछूं वर्णमाला के बारे में तो आप बता दोगे, फिर मैं दो अक्षर के शब्दों के बारे में पूछूं, तीन अक्षर के शब्दों के बारे में पूछूं, फिर चार अक्षर के शब्दों के बारे में पूछूं, आई होप कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से एकदम समझ आ जाए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, लिखा है पुनः कीजिए, क्या करना है? पुनः करना है, ठीक है। इसको मैं एक एक करके बता दूंगी और बाकी आपको करना है, ठीक है। तो क, चित्रों को देखकर उनके नाम लिखना है, ये चित्र बना हुआ है और यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं, हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, इसको करके मुझे सेंड करना। फिर देखो इन चित्रों को देखकर यहाँ पे नाम लिखना, जैसे मैं एक करके बता दे रही हूँ, ये किसका चित्र है? तो ये है टब, क्या है? टब, तो ट और ब, तो ट ब, ये ट और ब को यहाँ लिख देंगे, इसमें ट लिख देंगे और इसमें ब लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये टब का चित्र बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं टब लिख दूंगी, कैसे? ट और ब, यहाँ पे मैंने टब लिखा, तो इस टब को मैं यहाँ पे लिख दूंगी, कहाँ? यहाँ पे ट लिखूंगी और यहाँ पे ब लिखूंगी, ठीक है। और बाकी आप करना, ये जो तीनों बचा हुआ है आपको करना है, नीचे भी जो है आपको करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे लिखा हुआ है दिए गए अक्षरों की सहायता से दो तीन व चार अक्षर वाले शब्दों को लिखना है। अक्षर है हमारा ल र न म, चार अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं? चार अक्षर हैं। अब इनसे हमको शब्द बनाना है, तो शब्द कैसे बनाना है? तो हमको ऐसा शब्द बनाना है दो अक्षर का जिसके अंत में ल आए, तो कोई ऐसा शब्द बताओ जिसके अंत में ल आए, बोलो। तो शब्द लिखेंगे हम क और ल, तो इसके अंत में क्या आ रहा है? तो इसके अंत में ल आया, क्या आया? ल, यही हमको चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी? कल, जो पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब तीन अक्षर वाले शब्दों पे आते हैं, अब तीन अक्षर का कोई ऐसा शब्द बताओ जिसके अंत में ल आए, आप लोग बताओ। अब तीन अक्षर के शब्दों में अब देखिए कमल, क, बोलो क म ल, इसके अंत में कौन सा अक्षर आ रहा है? देखो आप लोग, क म ल, वेरी गुड, इसके अंत में ल आया, तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे जो पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब चार अक्षर वाले शब्दों पे आते हैं, तो चार अक्षर का कोई ऐसा शब्द बताओ जिसके अंत में ल आए, है कोई शब्द दिमाग में? तो लिखेंगे द म क ल, तो हमको शब्द मिल गया, तो ये है द म क ल, तो इसके अंत में कौन सा अक्षर आया बच्चों? तो इसके अंत में ल अक्षर आया, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दम का लिख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे द म क ल, दमकल, ठीक है। अब बाकी नीचे देखो, नीचे है र, अब र अक्षर से आपको शब्द बनाने हैं, फिर न अक्षर से बनाने हैं, फिर म अक्षर से बनाने हैं, पहले तो र अक्षर से दो अक्षर का शब्द बनाना यहाँ पे, फिर यहाँ पे तीन अक्षर का शब्द बनाना और यहाँ पे चार अक्षर का शब्द बनाना,
फिर नौ अक्षर से बनाना ऐसा शब्द जिसके अंत में नौ आए। तो यहाँ पे दो अक्षर का शब्द बनाना, यहाँ पे तीन अक्षर का शब्द बनाना और यहाँ पे चार अक्षर का शब्द बनाना। ठीक वैसे ही यहाँ पे अब तीसरा देखो, चित्रों को उनके नामों से मिलाइए। बहुत सिंपल है, चित्र को देखिए और शब्दों को पढ़िए, ठीक है, और मैच कर दीजिए। जैसे पहला चित्र है गाय का, तो हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए शब्द पढ़ते हैं मिला मिला के। पढ़िए, स र क स सर्कस, सर्कस तो होगा नहीं। म ट र मटर, मटर भी नहीं होगा, तो हम ब ट न बटन, बटन भी नहीं होगा क्योंकि हमको तो गाय शब्द चाहिए। ग उ, हाँ यहाँ मिला ग उ, ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो गाय से मैच कर देंगे, तो मैं यहाँ पे मैच कर दी, बाकी जो बचा है आप करना, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे पढ़ेंगे, ठीक है।